सत्संग जी, प्यार से कहना दान ननकार जी। आज सोनीपत के मैदान में यहाँ सत्संग के लिए सभी आए हैं और मनों में भाव भक्ति के, आस्था के, विश्वास के और अपने अंदर एक मानवीय गुणों को लेकर कि ये जो जीवन इस दातार इस परमात्मा ने दिया ये व्यर्थ ना चला जाए, जैसा समय समय पर भक्त समझाते आए हैं कि एक अपने जीवन में प्राथमिकता इस परमात्मा को बनाएंगे तो बाकी जीवन बहुत ही सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, एक एफर्टलेस हो जाता है। तो कैसे इस परमात्मा के साथ जुड़ने का साधन भी कि पहले इस परमात्मा को पाना है और ये प्राप्ति ब्रह्म ज्ञान द्वारा कि निराकार प्रभु जीवन में आए अपने दर्शन पहले देकर और ये दर्शन ये जो भाव ब्रह्म ज्ञान में कि कैसे फिर एक बार ये प्राप्ति होती है तो इस जीवन में अपने आप ही इस मन में एक परमात्मा का अस्तित्व एक परमात्मा का एहसास और बढ़ता जाता है। हर समय इसी के साथ ये मन जुड़ा हुआ और फिर ये प्रेमा भक्ति की बात कि जब परमात्मा मन में है तो मन में सिर्फ प्यार ही है, फिर कोई छल कपट नहीं, कोई चालाकी नहीं, बस जैसे अंदर से वैसे ही बाहर वो शब्द रूप कर्म रूप एक सोच भी सिर्फ प्यार की। तो कैसे इस प्रेमा भक्ति की अवस्था में ही एक जीवन संत जीते जाते हैं और अपने कर्म रूप से बोलों से यही हर एक को प्रेरणा भी देते हैं कि इस संसार में आकर एक जो आए हो तो वहाँ इस घर परिवार समाज ये सब जिम्मेवारियाँ भी हैं, इसको तो निभाना है ही, इससे आंखें बंद करके अपने कर्तव्यों से पीछा नहीं छुड़ाना है, एक एस्केप नहीं करना, पर साथ ही इस संसार में इस तरह रहना है कि संसार से प्यार हो जाए, हर एक इंसान से प्यार हो जाए, एक हर एक में अपनत्व का ही भाव हो, एकत्व का ही भाव हो, हर कोई पूजनीय हो, हर किसी में परमात्मा के दर्शन हो। तो ऐसे भावों के लिए जो एक बात होती है कि संसार में आके भक्ति एक करनी कैसे है कि सिर्फ एक तो भक्ति के भी जो लेयर्स हैं कि भक्ति करने का कारण क्या, ये ज़रूरत क्या है जहाँ आराम से हम उठ के मौज मस्ती कर सकते हैं, आराम से पूरा दिन निकाल सकते हैं। तो इस जीवन में इस परमात्मा को महत्वता देनी क्यों है? तो बात वही, जिस पल में परमात्मा शामिल होता है उस पल के फिर वो हंसी मजाक हो, कोई और कारण हो, कुछ भी कार्य कर रहे हैं वो और सुनहरे हो जाते हैं, वो इसके एहसास में रहते हैं। एक फिर भक्ति अपने हर काम की माया में नहीं उलझ के रहती, किसी डर किसी शिकवे से एक उस तरह की भक्ति नहीं, सिर्फ प्यार की रह जाती है कि ये परमात्मा जहाँ जीवन में है वहाँ एक परमात्मा से हमने जुड़ना है, क्योंकि परमात्मा तो हर समय ही है। जो कदम पीछे होते हैं वो जो मन डामाडोल करता है वो हमारा ही करता है। तो कैसे एक खराब सिचुएशन में भी अपने विश्वास को पूरा रखना है, वरना तो स्थिति कभी ऐसी आ जाती है कि एक पल में परमात्मा से भी विश्वास उठ जाता है। तो कैसे ये परमात्मा को अगर हम सोच के देखें तो परमात्मा को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता
कि किसी को परमात्मा पे विश्वास है कि नहीं, ये निराकार तो अपने आप में पूर्ण है, बात सिर्फ हमारे लिए, हमारे ही बेहतरी के लिए कि हर पल में इस परमात्मा को डालेंगे तो वाकई ही भक्ति भरा जीवन एक हमारा होगा, एक जीते जी शरीर का मन का कल्याण भी, और उसके बाद ये मोक्ष का रास्ता भी, लोक सुखी परलोक सुहेला, कि ये जीवन जीते जी भी इस निराकार में लीन रहना है, इस ब्रह्म में लीन लेना है, कि ये ब्रह्म ज्ञान द्वारा ब्रह्म लीन रहना, फिर हर पल की भक्त की अवस्था हो जाती है, और उसी अवस्था को हर पल जीते जीते फिर चाहे वो अंतिम समय मृत्यु का, तो भी एक मन की अवस्था तो वही रही, सिर्फ फर्क यही कि अब जो शरीर में आत्मा है, अब वो शरीर ख़त्म है, तो ये आत्मा को भी पता है कहाँ से आए हैं, कहाँ जाना है, और जीते जी मन में किसका वास था। तो इसी प्रकार ये ब्रह्मलीन जीते जी भी और जीवन ख़त्म होने के बाद भी, तो ऐसा जीवन मुबारक जीवन होता है जब एक परमात्मा को मन में बसा के एक मानवीय गुणों से मन युक्त होता है। सिर्फ प्यार ही मन में एक सबसे प्राथमिक एक भाव बनता है किसी के भी प्रति हो, मन किसी का नुकसान करने के लिए एक सेकंड भी नहीं सोच पाता, चाहे सामने वाले इंसान ने कितना भी बुरा किया हो, कोई भी कठोर बात बोली हो, कोई कर्म किए हो, एक सोजी जो संतमति है वो यही कहती है कि एक दूसरे के लिए एक भाव मन का, आदर का, सत्कार का, एक दूसरे के लिए भी समझ सोझी, ये स्मृति मांगने की कि निराकार इनके भावों को भी एक बेहतर एक ऐसी सोच इनमें आ जाए, संतों का संग करके अपने जीवन का सुधार कर लें। तो संत तो कभी भी किसी के नुकसान के लिए कोई एक पल की भी बात नहीं सोचते, हर एक के लिए सिर्फ और सिर्फ इन संतों ने जो मांग की है वो एक यही कि पूरे संसार का ही भला हो, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे एक संसार के भले की भाव होती है संतों के मन में। तो ऐसे भाव भी हर एक को एक आने लाजमी हो जाते हैं जब ये मन में परमात्मा है कि सभी इस परमात्मा की रचना है, सभी से एक बराबर प्यार हो, और कैसे नफ़रतें मन में ना जन्म लें, एक किसी भी वजह से किसी को हम छोटी दृष्टि से ना देखें, एक हर एक को ऐसा मान के कि ये तो स्वयं ही परमात्मा है, तो मन में फिर वो एक तंग दायरा नहीं आता दिल का, एक विशालता से अपनत्व का भाव आ जाता है, स्वभाव जैसे भी हर एक के हों, एक अपनापन उनमें दिखता है, स्वयं को उनमें देख सकते हैं। तो ऐसे ही भावों से युक्त होकर भक्त अपना जीवन जीते चले जाते हैं, और ये जो बात कि हर बार दासी जो सेवा सुमिरन और सत्संग के प्रति मन की लगन की करती है कि एक जीवन में परमात्मा मन में ब्रह्म ज्ञान चाहे लेकर फिर खचित हो गए दुनिया की चीज़ों में, तो फिर ये टिकने वाला नहीं है मन में, तो कैसे हर पल इस निराकार को टिकाना है। तो इस निराकार के प्रेमियों से, ये संतों से, ये संत संगति में रहकर ये सत्संग को महत्वता जीवन में देनी ही होगी, और वो मन स्वयं ही सत्संग की ओर जाएगा, मन स्वयं ही इस परमात्मा के सिमरन में रहेगा, मन स्वयं ही एक सेवा भाव अपने अंदर रखकर हर एक से पेश आएगा, कोई फ़र्क, कोई दीवार, कोई नज़रिए से एक फिल्टर लगा के नहीं,
बायसनेस बना के नहीं, बस हर समय इस परमात्मा के प्यार में रहेगा। तो दासी और समय ना लेके इन्हीं शब्दों से आपसे आज्ञा लेगी सत्संगत जी धन निरंकार जी।